आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं अपनी वीडियो में जो एडिटिंग वगैरह करता हूं मैं किस तरीके से करता हूं। सो आज आप लोगों को मैं एडिटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड किया हुआ है, मेरे साथ है फिल्मो वंडर शेयर फिल्मोरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर। सो सबसे पहले मैंने उस पर क्लिक करके ये मेन्यू ऑन कर दिया। उस इस मेन्यू के ऑन करने पर सेम इजी मोड है, एक फुल पीएचआर मोड है। सो हम जो है ना वीडियो क्वालिटी 16:9 और क्लिक करेंगे फुल पीएचआर मोड पे। फुल पीएचआर मोड पे क्लिक करने के बाद सिस्टम हमको ये जो है ना ये मेन्यू देगा। सो इस मेन्यू को देने के बाद हम क्या करेंगे, ये क्लिक करके ये कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ साउंड। यहाँ पे हमको एक ऐसा मेन्यू डेस्कटॉप मेन्यू मिलेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इम्पोर्ट मीडिया फाइल पे क्लिक करके मैं जो करता हूँ, मैं आपको अपने एडिटिंग का प्रोसेस भी बताता हूँ। इम्पोर्ट मीडिया फाइल पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे अपने लिए एक फोल्डर बनाया हुआ है एडिटिंग, यूट्यूब एडिटिंग प्रोजेक्ट, उसको मैंने नाम दिया हुआ है। आज का व्लॉग है, सो आज कल का व्लॉग था, कल मैंने शूट किया था, लेकिन आज सुबह सुबह के टाइम मैंने इसको अपलोड किया है। सो अब मैं एडिटिंग भी आज की है, तो मैं इसको आज का लॉग बोलूँगा, ठीक है। आज का लॉग इसको मैंने कंट्रोल ए के साथ सारे को सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक कर दिया, सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर इंपोर्ट होने के बाद अभी मैं सारों को यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा इस जगह पर। यहाँ पर लाने के बाद जो वीडियो का जो बार है ना यहाँ पर, सही है। अभी यहाँ पर क्लिक करके एक सादा सा ये है, सो इसको प्ले करते हैं। तो इस तरीके से आज का ये आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर डबल टैप करके यहाँ पे हमारे साथ आएगा कंट्रास्ट, सेचुरेशन, ब्राइटनेस, टेंट, 3D लुक, इनहेंस और स्पीड वगैरह है की बात ये है। सो हम क्या करेंगे, कंट्रास्ट कुछ 25 पे रख देंगे, मैं जो खुद करता हूँ 25 पे कंट्रास्ट, ये 25 ले लो, 25 25 25 25, ये हो गया 25 25 पे कंट्रास्ट। सो अब हम क्या करेंगे, अब मैं करूँगा ये 25 पे सेचुरेशन और ब्राइटनेस, देखूँगा कि ब्राइटनेस हाई लेवल पे क्या खा हो, ब्राइटनेस इस लेवल पे ये हो रहा है ये 34 पे, और जब लो होगा तो लो पे ये -90 90 90। सो अभी ले लो ये रहा है 10 पे कर दूँगा। सो ब्राइटनेस +10 पे कर दिया और बाकी सब ये कुछ ठीक। और अभी तो ये इस तरीके से हो गया पहले का। अभी मैं क्या करूँगा, इसको सिनेमेटिक वाला जो स्टाइल है वो दे रहा हूँ। सो अभी मैं यहाँ मैनुअली पे क्लिक करके यहाँ पे इसकी साइज जो है ना वो सिनेमेटिक वगैरह का जो करूँगा, कुछ पार्ट मैंने यहाँ से उल्टा कर दिया। सो अभी ये इस तरीके से नज़र आएगा, ऊपर साइड पे भी ब्लैक और नीचे पे भी ब्लैक। तो ये मैंने करीब से शूट किया हुआ था, इसलिए मैं इस चीज़ को प्रॉपरली नहीं कर सकूँगा। सभी इस शॉट को मैं कर दूँगा जो बारिश का शॉट है। अच्छा अभी देख ले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके तो क्लिक कंट्रोल अल्ट और डी, ये ऐसे कंट्रोल अल्ट और डी मैंने क्लिक कर दिया बटन शॉर्टकट्स। इसका साउंड ओरिजिनल साउंड मैं डिलीट कर दूंगा, इसके बैकग्राउंड में फिर मैं म्यूजिक लगाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, दोबारा इस वीडियो क्लिप पे क्लिक करके यहाँ पे मैं ब्राइटनेस करूंगा, सेचुरेशन, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मैंने 100 पे कर दिया, सेचुरेशन है वो भी मैंने 100 पे कर दिया, लेकिन अभी देखूँगा कि ठीक है कि नहीं, अगर ठीक नहीं ही लग रहा तो फिर मैं एक चेंज कर दूंगा। सो अभी ये इस तरीके से आया, ब्राइटनेस अभी मैं लो कर दूंगा, ठीक है। तो ब्राइटनेस मैंने माइनस, अगर प्लस में ले गया तो प्लस में फिर लाइटिंग वगैरह, सो मैंने प्लस में ले लिया, प्लस से 80 में मैंने रख दिया। अभी ओके कर दिया, ओके के बाद अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं प्रॉपर सिनेमेटिक में कन्वर्ट कर दूँगा, प्रॉपर सिनेमेटिक शॉट्स जो लेंथ वगैरह छोटे कर दे, कंट्रोल और अल्ट एंड अल्ट प्लस सी उसका शॉर्टकट है,
मैंने क्लिक कर दिया 16:9 है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे मैनुअली यहाँ पे इसको छोटा कर देंगे इतना, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे फैन एंड जूम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा ये मामला, और ये मामला आने के बाद क्या करेंगे इसको छोटा कर देंगे। अच्छा तो ये आप लोग देख लें, भी मैं इसको छोटा कर दूंगा, ये कम्बाइनली ये कम्बिनेशन है किस चीज़ का, ये सारे ठीक हो जाए, अभी ये ठीक हो गया। तो अभी हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या बात होने वाली है, तब ये वो शॉट जो ओपन होता है। अभी मैं इसका क्या करूँगा, ये तो अभी ठीक रहा। अच्छा तो अभी मैं इसका क्या करूँगा, डबल टैप करके स्पीड 1x है इसको मैं 2x कर दूँगा ताकि ये जल्दी शॉर्ट है। सो ये शॉर्ट लेने के बाद फिर मैं क्या कर दूँगा, इसको भी मैं एडिट कर दूँगा। सो अभी बाकी का सारा प्रोसेस एक है। सो अभी मैं इसमें क्या करूँगा आपको वो भी दिखाता हूँ। अच्छा एक मिनट बस मैं जल्दी जल्दी से करता हूँ, फिर आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है अभी साउंड म्यूज़िक एडिशन है वो कर दूंगा। सो फिर आप लोग वो देख लें क्योंकि अभी व्लॉग लेंथी होने वाला है। सो मैं जल्दी से करता हूँ, ठीक है आपको दिखाऊंगा। अभी ऐड कर दी इसमें, आप लोगों को सुनाता हूँ। यहाँ पर भी एक फिर पूरा व्लॉग उधर देख लेना। यही थी मैं सिंपल सी एडिटिंग, मैंने तकरीबन प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दी। कोशिश करूँ कि अगले बार जो है ना एडिटिंग का पूरा प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर कर दूँ पूरा तरीके से। लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पे कुछ अपने शॉर्ट्स भी दिखा दूँगा जो एडिटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को की बताई। अगले व्लॉग में मैं आपको पूरे तरीके से प्रॉपर जो अगर आप लोगों को चाहिए समझना चाहिए आप चाहते हो या आप सीखना चाहते हो तो फिर कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को इसके पूरा प्रोसेस जो है ना सब कुछ समझा दूंगा। अभी मैंने खुद इसको समझ गया हूँ इन सारे बातों को। अगर समझना चाहते हो, पसंद करना चाहते हो, लाइक करना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं आपको पूरा प्रोसेस अगली वीडियो में फिर बता दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, सब्सक्राइब लाइक शेयर, थैंक यू।